ये वीवीआईपी कार्ड लेकर मैं और मेरे दोस्त बड़े ही उत्साह के साथ हावड़ा के साकराई पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। यह है साकराई रेलवे स्टेशन, जहाँ पर इतनी भीड़ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड में कितना ज्यादा भीड़ होगा। और इसी को देखते हुए मेरे दोस्त प्रशासन की मदद करने लग गए। जिम्मेदार नागरिक है मेरे दोस्त। इसके बाद भीड़ को काटते हुए मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड की ओर बढ़े। ग्राउंड पहुंचते ही हमें देखने को मिला लोगों का जन सैलाब। हम अंदर तो चले जाते, शायद मोदी जी को सामने से देख भी पाते, क्योंकि हमारे पास वीवीआईपी कार्ड था। लेकिन क्योंकि हमें रिपोर्टिंग भी करना था, वीडियो बनाना था, आम लोगों से बात करना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाहर ही रुकेंगे, क्योंकि अंदर जाने के बाद वापस बाहर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। और इसके बाद हमने किया अपना काम, और इसी बीच मोदी जी का भाषण भी खत्म हो चुका था। मोदी जी वहां से जा चुके थे तो हम भी वहां से निकल गए। तो ये सारे हमारे मित्र जिनके साथ आज हम आए थे मोदी जी का रैली देखने, और आप देख सकते हैं ये सब लोग वीवीआईपी कार्ड होल्ड कर रहे हैं। ये वीवीआईपी कार्ड लेके आए हैं, अंदर जाने का मौका मिला, मोदी जी को सामने से कम देख पाए कि नहीं? मोदी जी को तीसरा भी नहीं देख पाए। मोदी जी क्या ड्रेस पहने वो भी नहीं देख पाए कि हम लोग अंदर क्या अंदर गलियों भी नहीं घुस पाए, बाहर रोड से खाली लाउड स्पीकर उनका भाषण सुने और चले गए। कार्ड वार्ड का कोई मतलब नहीं था कि मोदी जी का सभा में जाना है तो कितना भी बड़ा कार्ड हो कम से कम 4 घंटा पहले आना पड़ेगा। ये उनको सबक मिल गया, हमने सोचा 1 घंटा पहले आएंगे सीट मिल जाएगा। वीआईपी कार्ड वीवीआईपी कार्ड कुछ मतलब नहीं है, जहाँ मोदी जी सभा करते हैं वहाँ मोदी जी होते हैं और कोई नहीं होता है। और थक इतना गए कि हार कर हम लोग यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी चल रहा है हमारा। और कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? लगा नहीं, बस सुनिए, अच्छा सुनिए। नेक्स्ट टाइम मोदी जी आएंगे तो हम लोग 5 घंटा पहले जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी और रैली में। हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी हम लोग आधा घंटा वेट करेंगे और रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे। अभी 1 घंटा यहीं पे खड़े रहेंगे तभी जाएंगे।